रांची के प्रेस क्लब में प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल के नेतृत्व में शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि कैसे चुनाव में युवा वर्ग की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके अलावा चुनाव के बाद यूथ के लिए क्या करने की योजना है, इसे लेकर रांची के कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने बताया कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम रांची के युवा के लिए क्या करने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवा वर्ग के पास काम नहीं है, इसलिए युवा वर्ग सबसे ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर लोग हमें चुनते हैं तो हमारा फोकस यूथ के हाथ में कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए इस पर रहेगा। क्या इसका उद्देश्य और क्या लगता है इस लोकसभा के चुनाव में जो आपने यहाँ पे रखा है कि मतलब स्त्री शक्ति नारी शक्ति मजबूत करेगी? देखिए, महात्मा गांधी कहते थे मजबूत समाज या मजबूत देश बनाना हो तो महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। आज महिला सशक्त हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अभ्युदय भारत संस्था से यंग वोटर्स आए हैं। देश में 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं, लगभग 20 करोड़ लोग जो हैं वो 20 से 29 साल के आयु के हैं और ये यंग इंडिया है। आज संवाद कार्यक्रम यशस्विनी सहाय जी के लिए रखा गया है। उनका विजन झारखंड के लिए क्या है, उनका विजन रांची के लिए क्या है। प्रोफेशनल लोग हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोग यहाँ पे हैं कि संवाद कर सके, झारखंड को कैसे बेहतर बनाया जा सके, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी झारखंड में कैसे लाया जा सके कि लोगों को रोज़गार मिले यहाँ पे, महिलाओं सुरक्षित रहें यहाँ पे, किसानों को पैसा मिल सके, गरीब को खाना मिल सके, यही सोच के साथ आज संवाद कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है, जब रास्ता मिल गया है तो मंजिल भी मिल जाएगी और ये जो कोशिश है ये ज़रूर रंग लाएगी। आने वाले समय में आज हमारी जो कैंडिडेट हैं वो जीत रही हैं और एक अच्छा बेहतर झारखंड बनाने का जो प्रयास हम सभी ने उठाया है वो उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में एक मजबूत पॉलिसी के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। क्या इसका उद्देश्य और क्या लगता है? बता रहे थे नारी शक्ति वो लगे हुए हैं जी, आपके सामने जो है जी वो वरिष्ठ है और एक बार रह चुके हैं, पहले भी आपके पिताजी सीट को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, इस बार आप इतनी बड़ी चुनौती मानती हैं और लोगों का जो युवाओं का सपोर्ट है वो आप जो पूछ रहे हैं, देखिए चुनौती हमारी नहीं है क्योंकि ये एक लोकतंत्र है और जनता ने उन्हें चुना है जो हमारे सामने हैं, तो क्या वो जनता के विश्वास पर खरे उतर कर आ पाए हैं ये जनता ही चुनकर वापस बताएगी, तो उससे ज़्यादा हम क्या बोलें। तो प्रोफेशनल्स की आज यहाँ पे संवाद कार्यक्रम जी हो रहा है। जी युवा भी हैं जी 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 क्या लगता है इनकी ताकत आपको जी प्रदान जी। अभी तो कार्यक्रम बस शुरू ही हुआ है तो हम अभी तक चर्चा नहीं कर पाए हैं, पर जितना युवाओं की बात करें तो जितने भी शिक्षित युवा हैं और जितने भी शिक्षित लोग हैं यहाँ पर भी हम जितने मिल रहे हैं सब अपने ही फील्ड में बहुत सेलिब्रेटेड हैं एक तरीके से, और उन्होंने काफ़ी जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा है समाज के प्रति, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे लोग हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं तो इनकी आवाज़ें जो महत्व रोल प्ले करती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं आगे देश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सबको मिलकर इस लोकतंत्र में अपना हिस्सा निभाना है और चुनाव एक महापर्व है जो उसी चीज़ को दिखाता है। तो यहाँ पर जितने भी आवाज़ें जितनी भी सोच आ रहे हैं अलग अलग फील्ड से जो लोग आ रहे हैं युवा भी हैं, उनकी भी हम सोच को आगे कैसे लेके जाएं और क्या क्या हो सकता है वो करें जी। देखिए विजन या जी विजन का अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है युवाओं का वो है बेरोज़गारी, क्योंकि युवाओं के पास आज नौकरी नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है कि शिक्षित युवाओं के पास भी नौकरी नहीं है,